खबर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से है, जहां नरसिंहपुर जिले में कोतवाली थाना की निवारी चौकी अंतर्गत बारहा छोटा में एक नाबालिग किशोर का शव मिला। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि मृतक किशोर अपनी चाची को ब्लैकमेल करता था, जिसके बाद चाची और अन्य साथी ने मिलकर नाबालिग की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक सोमेश मेहरा आरोपित महिला नीतू और सपना मेहरा का सगा भतीजा है। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस अधीक्षक ने थाना कोतवाली की टीम को इनाम देने की घोषणा भी की है। नरसिंहपुर से चंद्रशेखर मालवीय की रिपोर्ट। जो मृतक था, मृतक की चाची और मृतक का दोस्त है पप्पू, इन लोगों ने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी की थी। दरअसल मृतक की चाची और मृतक के जो दोस्त पप्पू हैं, इन लोगों के बीच में संबंध थे, इसकी जानकारी मृतक को थी। और इसके बाद से ही जो है वो लगातार जो है एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहा था। इससे तंग आकर के इन दोनों ने षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के तहत ही जो है इसकी जो है हत्या की गई। दोनों को जो है तत्काल 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द से जल्द जो है इसमें चिन्हित प्रकरण में लेते हुए इनको जो सजा कराने का प्रयास।